बहुत ही क्लियरली अगर उसमें कंसेंट दिखता है तो आपको अपने केस को क्वेश्चनिंग के लिए भेजना चाहिए। आपके वकील साहब पुरजोर तरीके से जब चार्जेस लगते हैं चार्जेस पर डिस्चार्ज कराने के लिए आपको वहां पर आर्ग्यूमेंट करें बहुत अच्छे से। हाई कोर्ट गए बेल नहीं हुई, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाइए। कंसेंट का मामला है ऐसे मामलों में, क्योंकि हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट इतनी सारी पावर्स होती है कि वो बेल ग्रांट कर ही देते हैं। दोस्तों रेप केस के जो मामले होते हैं, रेप मामले या फिर मैं कहूं बलात्कार जो केस होते हैं, इन मामलों में बहुत सारे या फिर यूं कहिए कि मेजॉरिटी जो केसेस की है अभी फिलहाल देखा जाए तो ज्यादातर मामले यही सामने आते हैं कि लड़का और लड़की साथ रहते थे, क्वालिटी टाइम दोनों ने स्पेंड किया, दोनों के बीच में फिजिकल हुआ, लड़का या लड़की बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, अब शादी करना नहीं चाहते, लड़की ने जाकर सीधा एक रेप की एप्लीकेशन दी, मतलब रेप की कंप्लेंट दी और उस लड़के के अगेंस्ट में रेप केस दर्ज हो गया, बलात्कार का केस दर्ज हो गया, 376 लग गया, 506 भी लग जाता है कई बार, और भी कुछ धाराएं उसमें जोड़ दी जाती है। दोस्तों कोई भी रेप केस आप पर लगा है, मतलब कोई भी आपका सगा संबंधी जेल में है, या फिर एंटीसिपेटरी बेल आप लेना चाहते हैं, कैसे उसकी बेल आसानी से होगी, या फिर केस को खत्म कराना चाहते हैं, या फिर अभी ट्रायल चल रहा है, इन सभी चीजों के लिए मैं इस वीडियो में काफी कुछ अच्छे से आपको बताऊंगा। और मेरा मानना है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने केस से आसानी से जरूर निकल पाएंगे। वीडियो को आप पूरा देखें और कोई भी अगर सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें, क्वेश्चन के लिए आप जरूर जाएं। अगर मामला कंसेंट का है, बहुत ही क्लियरली अगर उसमें कंसेंट दिखता है तो आपको अपने केस को क्वेश्चनिंग के लिए भेजना चाहिए। क्वेश्चनिंग लगानी जरूर चाहिए अपने वकील साहब से, आप एडवाइस लेकर, वकील साहब आपको बताएंगे। जब भी आप वकील साहब से बात करते हैं क्वेश्चनिंग की तो पहले आप पूछ भी लें कि ग्राउंड्स क्या है, किन ग्राउंड्स के आधार पर मेरा ये जो मामला है क्वेश होगा। ऐसा ना हो कि आपके पास कोई ग्राउंड ही ना हो और क्वेश के लिए आप चले जाएं, तो क्वेश होगी नहीं दोस्तों FIR। कभी भी चार्जेस पर जब केस आपका जाए, आपके वकील साहब पुरजोर तरीके से जब चार्जेस लगते हैं चार्जेस पर डिस्चार्ज कराने के लिए आपको वहां पर आर्ग्यूमेंट करें बहुत अच्छे से। और मान लीजिए आर्ग्यूमेंट करते हैं फिर भी चार्जेस लग जाते हैं तो आपको क्या करना है, रिवीजन पे जाना है, हाई कोर्ट में जाइए रिवीजन के लिए, तो वहां पर भी आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। अगली बात दोस्तों बताना चाहूंगा कि जब भी कभी ऐसे केस दर्ज होते हैं और आप सीधे रूप से अरेस्ट नहीं हुए हो तो फटाफट से एंटीसिपेटरी बेल लगाइए। कंसेंट का मामला है तो 100% आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जरूर जाएगी दोस्तों, आपको लगानी चाहिए। सेशंस कोर्ट में आपने लगाई बेल नहीं हुई, घबराइए मत, हाई कोर्ट जाइए बेल हो जाएगी। हाई कोर्ट गए बेल नहीं हुई, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाइए। कंसेंट का मामला है ऐसे मामलों में, क्योंकि हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट इतनी सारी पावर्स होती है कि वो बेल ग्रांट कर ही देते हैं। हो सकता है कि जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हैं तो आपको बेल ना भी मिले, हाई कोर्ट जाएंगे आपको बेल जरूर मिल जाएगी। जैसे ही आपने एंटीसिपेटरी बेल लगाई तो एंटीसिपेटरी बेल लगाते ही जैसे ही आर्ग्यूमेंट हुआ और बेशक से काउंटर मंगाया गया हो आपके केस में या फिर डेट लगा दी गई हो, मतलब डायरी जो मंगाई जाती है जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से उसको बोलते हैं, पुलिस रिप्लाई हम लोग बोलते हैं दिल्ली में, तो ये अगर ऐसा होता है तो वहीं पर सीधा इंटरिम प्रोटेक्शन आपके वकील साहब जरूर मांगे। मतलब कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है तब तक पुलिस आपको अरेस्ट कर नहीं पाएगी, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी और आगे जाकर उस केस में आसानी से बेल लेने में ये चीजें काम आएगी। जैसे ही आपको इंटरिम प्रोटेक्शन मिल जाएगा तब तक कम से कम आप रिलीफ मिल जाएगा आपको, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर पाएगी। जैसे ही आपको इंटरिम प्रोटेक्शन मिला या फिर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आपको बोला गया, ऑर्डर आपके पास आया, तो आप पुलिस स्टेशन जाएं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और पुलिस को पूरी डिटेल में अपनी बात बताएं कि किस तरह से कंसेंट है, कैसा आपका रिलेशन चला, क्यों आप अलग हुए, क्यों FIR लॉन्च कराई गई, सब बातें आप बताओगे तो यहां से भी आपको रिलीफ दोस्तों जरूर मिल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का जैसे ही अवसर मिले आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन जरूर करें, इस केस से आप निकल जाएंगे। रेप जैसे केसेस में पॉक्सो जैसे केसेस में कोई भी मदद आप हमसे चाहते हैं, कोई भी एडवाइस आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें या आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आप अपने केस से निकल जाएं और आप उस केस से मुक्त भी हो जाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।